हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ना है इकाई का अंक ज्ञात करना, और हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। आगे का टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना, और हम इसमें सीखेंगे इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं और इकाई का अंक किसे कहते हैं, ये चीजें सीखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। जान दो कोई भी अंक लिखा हुआ है, जैसे इकाई का अंक अगर हमें ज्ञात करना है तो हम कोई भी एक अंक लिख देते हैं, ठीक। एक संख्या लिख देते हैं, ये जो संख्या है ये तीन अंकों से मिलकर बना है। कितने अंकों से? तीन अंक। एक अंक ये है, ये अंक है, और आपका थ्री एक अंक है, और सेवन एक अंक है, और छह जो है वो भी आपका एक अंक है। यानी कि तीन अंकों से बना हुआ एक संख्या, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला जो अंक होता है इसको हम क्या कहते हैं? इकाई का अंक कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, और ये आपका तीन जो हो जाएगा वो सैकड़े का अंक होगा, ठीक है। तो इकाई का अंक आपका क्या होगा? छह होगा, ठीक है। छह होगा इकाई का अंक, ठीक। तो ये आपका हो गया इकाई का अंक, ये इकाई का, ठीक। ये क्वेश्चन आपका ऐसे कोई आपका 63206 दे दे, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें आपका ऐसे लिख दिया जाए तो इसमें इकाई का अंक जो होगा, ये जो पहला अंक है यही आपका क्या हो गया? इकाई का अंक हो गया, ठीक। अब हमारा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका गुणे में होगा तब इकाई का अंक कैसे रहेगा, प्लस में रहेगा तब आपका इकाई का अंक कैसे निकलेगा, और आपका जोड़ में रहेगा तब इकाई का अंक कैसे रहेगा, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले टाइप का पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन में आपका संख्या क्या हो? गुणा में हो तब इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक। जैसे आपका दो है, गुणे तीन है, गुणे आपका चार है, ऐसे आपका फिर से तीन है, ठीक। तीन है, पांच है, सात है, कुछ भी है, ये आपका गुणे में है। तो गुणे में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? चूंकि सभी संख्याओं में दो, ये आपका एक संख्या है, एक अंक की संख्या, ये भी अंक की संख्या है, एक एक अंक की संख्या है, ठीक है। और सब किसमें है? गुणे में है। जब भी गुणे में संख्या रहेगा तो हम पहले संख्या का दूसरी संख्या में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो हमारा संख्या आता है, ठीक है, उसका जो इकाई का अंक होता है वही हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक। सबसे पहले देखो इधर, इसको रुकते हैं, से पहले ऐसे सिक्स आपका सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स कर दे, ठीक। तो सात का छह में गुणा करेंगे तो सात छह बयालीस, क्या आएगा? 42, ठीक है। यानी कि बयालीस आएगा, तो बयालीस में ये जो दो है यही हो गया हमारा इकाई का अंक, ठीक। ऐसे आपका आठ है और गुणे आपका नौ कर देते हैं, नौ अठे बहत्तर हो गया, ठीक। इसमें ये आपका दो इकाई का अंक हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा? आपका इकाई का अंक। ऐसे कई संख्याएं जब गुणे में रहेंगे तब कैसे करते हैं उसको देखो। इधर पहले दो का तीन में गुणा करेंगे, दो तीन छह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छह आएगा, ठीक है। गुणा करने पे क्या आया? इन दोनों को गुणा करने पे आया आपका छह, ठीक। अब इस छह का क्या करते हैं? चार में गुणा कर देते हैं। किसमें गुणा कर रहे हैं? चार। जब छह का चार में गुणा करेंगे तो छह का चार में गुणा करेंगे तो आएगा चौबीस, कितना आएगा? 24, यानी 24 आएगा, और 24 के हम चार लिख लेंगे, ये दो को छोड़ देंगे, ठीक। अब यहाँ पर अब चार का गुणा सात में करेंगे, चार सत्ते 28, क्या आया? 28, 28 का आपका आठ हो जाएगा, यही हो गया हमारा इकाई का अंक। हमें दो से मतलब नहीं है, इकाई का अंक, ठीक। ये आपका गुणा में हो जाता है। ये तो आपके एक एक अंक होते हैं तब हम गुणा का अंक, यानी कि पहले पहले अंकों को गुणा करते चले जाते हैं। गुणा करने के बाद जो हमारा संख्या आता है वही हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक। कोई भी लिख दें, छह गुणे आठ गुणे सात गुणे छह, ठीक है, इतना बड़ा लिख दें क्वेश्चन, इसका गुणा कैसे करेंगे, ठीक। अदो उधर छह का पहाड़ा पढ़ेंगे आठ बार, छठे 48, 48 के आठ हो जाएगा। अब आठ का पहाड़ा पढ़ेंगे सात बार, आठ सत्ते 56, 56 के छह हमें हासिल से मतलब नहीं, ठीक। अब क्या है? छह का छह में गुणा करेंगे, 36 के छह, यही हो गया हमारा इकाई का अंक, ठीक, इकाई का अंक। अब ये तो हमारा एक एक अंकों का हो गया, अगर हमारा दो दो अंकों का आ जाए तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन आपका? जैसे 76 32 54, ठीक है, आपका 67, ठीक, ऐसे आ जाए तब कैसे करते हैं? अब ध्यान दो, जब संख्या आपका गुणा में हो और उस वो संख्या जो है वो दो दो अंकों का है, कितने अंकों का है? दो दो अंकों का संख्या होगा, तब आपका जो पहला पहला अंक है ये आपका इकाई का, इस पूरे संख्या में इकाई का अंक आपका छह है, इस पूरे संख्या में इकाई का अंक आपका दो है, इस पूरे संख्या में इकाई का अंक चार है, और इस पूरे संख्या में इकाई का अंक आपका सात है, ठीक। अब क्या करते हैं? अब इस इकाई के अंकों को केवल हम क्या कहे, आपका जो इकाई का अंक है उससे हमें मतलब है, बाकी जो संख्या होते हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक। अब छह का गुणा क्या करेंगे? दो में गुणा करेंगे, छह दूनी 12 आ गया, 12 का दो, ठीक है, हासिल हम नहीं लेंगे। अब दो का पहाड़ा पढ़ेंगे छह बार, चार बार, दो चौक आठ हो जाएगा, ठीक। अब आठ का पहाड़ा पढ़ना है सात बार, और सत्य 56 के छह, यही हो गया हमारा इकाई का अंक, ठीक। समझ में आया?
सबसे पहले हम इकाई पता करेंगे, हरे संख्या में इकाई क्या है, उस अंकों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, दो छह का गुणा करेंगे, छह दूनी 12 का 2, 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 चौक 8 के 8 और 8 सत्ते 56 के 6, यही हमारा हो गया इकाई का अंक। ठीक, तो ये आपका इकाई का। और कोई क्वेश्चन दे दें, जैसे 7 8 7 6 3, आपका बड़े बड़े अंक दे दें या दो दो अंक ही रहने देते हैं, 6 3 हुआ आपका, 5 दिखा आपका, 5 हो गया और 4 और 6 दिखा। ठीक, जब भी आपका इकाई का अंक आएगा तो इकाई के अंक को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 8 का गुणा क्या करेंगे 8 3 24, 24 के 4, 4 का 5 में गुणा करेंगे 4 25 20 के 0, 0 का जब 6 में गुणा करोगे तभी आएगा 0। ठीक, इकाई का अंक, ठीक इकाई का अंक ये आ जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे आपका आ जाए अभी दो दो अंक का अंकों का है, ऐसे 3 अंकों का आ जाए, ठीक है 3 अंकों का आ सकता है, 4 4 अंक आ सकते हैं, कितना भी अंक आ जाए, ठीक है उससे कोई घबराने की बात नहीं है, जितना भी आएगा हम लोग केवल इकाई से हमें मतलब है। ठीक, इससे मतलब है इकाई के अंक से मतलब है, दो इस गुणे में ये पूरे संख्या में क्या है 376 में 6 इकाई का अंक है, इस पूरे संख्या में आपका 3 है, इसमें पूरे में क्या है 6 है, इसमें आपका केवल 7 है। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे 6 का गुणा करेंगे 6 3 18 के 8 हो जाएगा, और 8 का किस में गुणा करेंगे 6 में, 8 6 48 हो जाएगा, 48 के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 6 का 8 का गुणा किस में करेंगे आपका 7, 8 7 56 के 6, ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक ये हो गया आपका इकाई का अंक। ठीक, तो हम क्या करते हैं, चाहे संख्या कितनी भी संख्या रहे, चाहे जितने जितने अंकों का संख्या रहे, ठीक है उसमें हम इकाई का अंक ढूंढ लेंगे और उस इकाई के अंक को उस इकाई के अंक से क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो हमारा इकाई का अंक मिलता है हम उसी को लेंगे, बाकी जो संख्या मिलता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि जिसे कहते हैं हासिल, हासिल को हम छोड़ दिया जाता है और बाकी गुणा कर दिया जाता है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आप क्या करते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जोड़, अगर प्लस में रहेगा संख्या तब उसका इकाई का अंक कैसे करेंगे उसको देखो। आपका जैसे यहाँ पर 6 7 है, प्लस में 5 6 है, प्लस में 9 3 है। ठीक, हमें इकाई से मतलब है और बाकी अंक से मतलब नहीं है, खाली हमें इकाई को जोड़ लेना है बस। तो उधर 6 6 12 12 3 12 और 3 हो जाएगा 15 15 में इकाई का अंक कौन हो गया, ये हो गया आपका इकाई का अंक। ठीक, जब भी प्लस करना है तो जो संख्या आपका प्लस है उसको हम क्या है इकाई के अंक पे है उसी को केवल जोड़ लेते हैं, जो हमारा इकाई का अंक होता है वही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, दूसरा जैसे आपका 7 6 6 प्लस में 3 2 प्लस 6 प्लस में 7 8 6 ऐसे आ जाए, और आपका 9 2 कर दें। ठीक, इकाई का अंक क्या है आपका 6 है, ये भी 6 है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी आपका 2 है। ठीक, तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 6 18 18 और 2 20 20 के क्या हो जाएगा 0, यही हो गया हमारा इकाई का अंक, हमें और लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब क्या है आपका कोई संख्या घटाना भी करना है, अगर ये ऐसे करना है तो क्या हो जाएगा, इकाई में से इकाई घटा दो, 6 में से 6 गया 0, यही हो गया हमारा इकाई का अंक। ठीक, घटाने में करना है तो हम इकाई के अंकों को घटा देते हैं, जो मान आता है वही हमारा क्या होता है इकाई का अंक हो जाता है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है जोड़ का करना है, जोड़ में सभी अंकों को इकाई के स्थान पर जो अंक है उसी इकाई के अंकों को केवल जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, और क्या है आगे, जोड़ घटाना हो गया। ठीक, आपका क्या करते हैं धन, अभी हम गुणा में क्या सीखे, गुणे में आप लोग को बताए संख्या आपका, जैसे गुणे में कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 आपका 15 तक लिख दिया जाए। ठीक, इसका मान आ गया इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो 1 2 3 आया। ठीक है, 3 के बाद आगे जब जाएंगे इसमें आपका 5 भी मिलेगा, आगे चल करके 10 भी मिलेगा, 5 6 7 8 9 10 भी मिलेगा, और जैसे कहीं पर भी एक अगर इकाई का अंक 0 मिला, अगर इकाई का अंक कहीं पर भी 0 मिला तो उस पूरे वैल्यू को क्या कर देगा इकाई का अंक आपका 0 कर देगा, ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक। ठीक, और पढ़ो जैसे 15 है, 16 है और आपका 18 है। ठीक, जब भी 5 दिखेगा, 5 और कोई सम संख्या दिखेगा, ठीक है 5 और कोई सम संख्या होगा, यानी कि 2 4 6 8 दिखेगा, जब भी 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक, किसी भी 5 को जब सम संख्या में गुणा करते हैं तो सम में गुणा करेंगे तो 5 6 25 30 के 0, 3 का अब 0 आया, 0 जब एक बार आ गया तो आपका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आता जाएगा, कभी भी वो आपका दूसरा अंक नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि 0 5 कहीं पर दिखेगा, उसके बाद सम संख्या अगर दिख जाएगा और गुणे में संख्या होगा तो वहां पर इकाई का अंक आपका ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे आपका प्राकृतिक संख्याओं का गुणा इकाई का अंक क्या होगा, अगर 10 प्राकृतिक संख्याओं के इकाई का अंक 10
प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक अगर ज्ञात करना है तो 10 प्राकृतिक संख्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये क्या है आपका इकाई के अंक है। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के गुणन का अगर इकाई का अंक बताना है, गुणन करना है उसके बाद इकाई का अंक बताना, ठीक। तो क्या करेंगे, गुणा करते जाएंगे, करते करते कहां तक, 10, और 10 दिख गया तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ 5 भी दिखेगा, 5 का चाहे 2 में गुणा करोगे चाहे 4 में गुणा करोगे, उसका इकाई का अंक क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। यहाँ इकाई का अंक आपका क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो गुणे के कंडीशन में आपका चाहे 2 अंकों का रहे चाहे 4 अंकों का रहे, हम इकाई के अंकों को गुणा कर देते हैं और आपका इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका इकाई का अंक ज्ञात करना, जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, ठीक है, ये क्या है, इस तरह हम इकाई के अंकों को क्या करते हैं, आराम से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बचा आपका, घात के रूप में जब रहेगा, घात लगा रहेगा तब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वाले को आज समाप्त करते हैं, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।